अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज ये फ्राइडे, सोचा कुछ आज इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बात की जाएगी। तो आज हम बात करेंगे उन जैसी मुस्लिम लड़कियों पे जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करके खुद को ओपन माइंडेड कहती हैं, खुद को ब्रॉड मेंटेलिटी की लड़कियां कहती हैं, खुद को कहती है कि हम मॉडर्न हैं, बट उन जैसी लड़कियों को कोसते हैं जो बिल्कुल इस्लाम 100% फॉलो करते हैं, पर्दा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मतलब जितने भी इस्लाम में रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियां उन लड़कियों को कोसते हैं कि आप नैरो माइंडेड हो। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ये सिस्टर क्या कह रही है। अगर बुलंद मकाम जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीलन मन जिंदगी दफनाव अड़न मज कतल करने क्या मगर जलील तो हकीर मखलूक मान मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुत अरें ज्यादा बुलंद ज्यादा आला मकाम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉडर्न होना, ओपन माइंडेड होना हम उस लड़की को नहीं कह सकते हैं जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करे, जीन्स स्किन टाइट, अपने आप को पर्दा ना करे, या टिकटॉक वीडियोस पे डुमकियां मारे, उसको हम ओपन माइंडेड नहीं कह सकते हैं। या अपोजिट जेंडर के साथ ऐसी रिलेशनशिप्स रखे, मतलब लड़कों के साथ, एक लड़की लड़कों के साथ रिलेशनशिप रखे, चाहे फ्रेंड का रिलेशन हो चाहे कोई और रिलेशन हो, उसको हम ओपन माइंडेड नहीं कह सकते हैं। ओपन माइंडेड हम उसको कह सकते हैं, मॉडर्न हम उस लड़की को कह सकते हैं जो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करे कि क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें बताया है, हमारे कुरान शरीफ में जो लिखा गया है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करे, उसको हम ओपन माइंडेड कहते हैं। यानी जो इंटेलेक्चुअल हो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, उसको हम ओपन माइंडेड कह सकते हैं। अब आप खुद ही बता दीजिए, ये वीडियो आप क्लिप आपने देख लिया, ये लड़की जो अपने साथ साथ बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ये ओपन माइंडेड है, ये जन्नत में जाएगी, या वो लड़की जो टिकटॉक के वीडियोज पे डुमकियां मारती है, जो अपना चेहरा कवर ना करती हो, जो बाल खुले छोड़ती हो, जो मतलब ऐसे मतलब जो जिसका नेचर ऐसा हो, जिसका बिहेवियर ऐसा हो कि कोई पब्लिक में कुछ थोड़ी सी गलती किसी को हो जाए तो अपना मतलब मतलब कुछ भी वो भक्ति रहती है, तो उसको हम ओपन माइंडेड नहीं कहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द फैमिली, फैमिली में जो माहौल होगा, अपने घर में जो माहौल होगा, बच्चा परवरिश वैसे ही करता है। ये वाली लड़की, ये वाली बेटी, इसका भी अच्छा होगा माहौल घर में, इसकी वजह से ये ऐसे पर्दा करती है, ऐसे इन्फ्लुएंस करती है बाकी लोगों को। और बाकी लड़कियां जो खुद को सेलिब्रिटी, टिकटॉक सेलिब्रिटी, छपरी टिकटॉकर्स कहते हैं, तो उनका माहौल भी वैसा ही होगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। बाकी नए वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए लव यू ऑल।